नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेश कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रहे हैं साबूदाना के पराठे, व्रत में खाने वाले पराठे। इनको बनाने के लिए चाहिए हमने यह 1.5 कटोरी साबूदाना। इसको कढ़ाई में डाल के सुखा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का ऐसा रोस्ट करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। इसको चलाते हुए सुखा लेते हैं थोड़ी देर। देखिए लगभग सूख चुका है, इसको अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये इसको हमने निकाल के इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। इधर इसमें डालते हैं काली मिर्च हलबत्ते में, तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे। इनको कूट लेंगे अच्छे से। इधर देखिए साबूदाना मेरा ठंडा हो चुका है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर तैयार हो गया। इसको छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। जो भी कुछ छोटा मोटा बचे होंगे टुकड़े वो निकल जाएंगे सारे। इधर 3 से 4 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। इनको महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बचें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। व्रत वाली रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आलू हमारा ग्रेट हो चुका है, तो जितना साबूदाना लिया था उसी कटोरी से नाप लेते हैं। 1.5 कटोरी साबूदाना लिया था उसी के हिसाब से 1.5 कटोरी आलू लिया है ग्रेट किया हुआ। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार डालते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले इसको सूखा ही मिक्स करेंगे थोड़ी देर, फिर डालेंगे पानी। ये मिक्स हो चुका है थोड़ा बहुत, देखिए। ये पराठे बनाना बहुत ही इजी है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। अभी 1 कटोरी पानी लिया, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं। इतना पानी लगेगा हम आपको बताएंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के अनुसार जितना लगेगा पानी। एक कटोरी पानी पूरा लग गया। इधर चटनी बना लेते हैं। ये लिया है हरा धनिया हमने, व्रत वाली चटनी, अदरक लिए है आधा इंच, थोड़ा पुदीना लिया है 4-5 पत्तियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च ली, नमक लिया है आधा चम्मच, 1-1.5 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे दही, थोड़ा सा नींबू, 4-5 से दाने मूंगफली के लिए हैं, रोस्ट किए हुए हैं ये। अब इनको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इधर आटा भी
रख दिया था 10 मिनट के लिए, थोड़ा सख्त हो गया। इसमें पानी मिला के इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं, फिर बनाएंगे पराठे इसके। आटा देखिए हल्का सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा घी लीजिए, हाथों पे लिया थोड़ा सा, चकले पे भी लगा लेते हैं। अब इसको बेल लेते हैं, जैसे रोटियां बनाती हूँ उसी हिसाब से। थोड़ा आटा एक लोई काट लिए, उसको बेल लेते हैं। बहुत आसानी से बेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फटेगा थोड़ा बहुत तो किनारी गोल करने के लिए किसी कटोरे या किसी बर्तन के सहायता से इसको काट लीजिए। ये देखिए मिल चुका है बिल्कुल। इसको सेंक लेते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं नीचे से। अब इसको उलट पलट के पका लेते हैं। ऊपर से भी घी लगा देते हैं थोड़ा। ये व्रत के हिसाब से बनाया, जो मसाले आपको जो खाने वो मिला सकते हैं, नहीं खाने वो ना डालें। ये देखिए पराठा हमारा सिक चुका है और तैयार हो गया, इधर प्लेट में लगा दिया है। थैंक्स फॉर